अभी दोस्तों कुछ दिनों बाद शॉपिंग का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स डिफरेंट डिफरेंट डिस्काउंट के साथ आपको देखने को मिलेंगी। इन सेल्स में ब्रांड्स आपको डिस्काउंट्स के साथ लुभाने की कोशिश करती हैं, और इसी बीच दोस्तों काफ़ी सारे कस्टमर्स रॉन्ग परचेसेस कर लेते हैं, जो परचेसेस उनको करने ही नहीं चाहिए थे। वो प्रोडक्ट जो उनको नहीं खरीदने चाहिए थे वो सेल्स में डिस्काउंट देके खरीद लेते हैं। यानी तो दोस्तों कोई भी चीज़ सेल में खरीदें, ऑनलाइन खरीदें, ऑफलाइन खरीदें, उससे पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका टेस्ट एक्चुअली है क्या, आपकी पसंद है क्या, जब आप सही प्रोडक्ट सेलेक्ट कर पाएंगे। और ये बात दोस्तों हर प्रोडक्ट पर लगभग लगभग अप्लाई होती है, हर प्रोडक्ट पर, मोबाइल फ़ोन हो, LED हो, आपका स्पीकर सिस्टम हो। लेकिन आज ही दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आपको किस टाइप के स्पीकर लेने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको बेस पसंद है तो किस टाइप के लेने चाहिए, क्योंकि बेस भी अलग अलग तरीके का होता है, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप रात में म्यूज़िक सुनते हैं तो किस तरह का लेना चाहिए, आप नाइट लिसनर से मतलब पास से बैठकर क्लोज डिस्टेंस से ज़्यादा म्यूज़िक को सुनते हैं तो किस तरह का सिस्टम लेना चाहिए आपको, और म्यूज़िक में भी दोस्तों किस टाइप के म्यूज़िक सुनते हैं उस टाइप के लिए अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, तो आपको किस तरह का सिस्टम लेना चाहिए, या फिर मूवीज़ के लिए तो किस तरह का लेना चाहिए, सारी बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं बेस लवर्स की। इन लोगों को वो सिस्टम चाहिए जिसके अंदर लो फ्रिक्वेंसीज थोड़ी ज़्यादा बूस्टेड हो एज़ कम्पेयर टू मिड्स एंड हाइस। इसका मतलब इनको एक बेस बूस्टेड सिस्टम लेना चाहिए। लेकिन बात इतनी सिंपल है दोस्तों, नहीं। एक्चुअली बहुत सारी कंपनीज हैं जो बेस बूस्टेड बोलकर या एक्स्ट्रा बेस बोलकर आपको सिस्टम दे रही हैं। सही बात है कि बेस बूस्टेड आपको मिलेगा उनमें, लेकिन किस तरह का बेस मिलेगा, बेस का एक सही नेचर आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों बेस लाउड चाहिए या डीप चाहिए, पंची चाहिए या थम्पी चाहिए, सॉफ्ट चाहिए या हार्ड चाहिए, टाइट चाहिए या लूज चाहिए। इन टर्म्स को एक ही करके समझते हैं, इससे आप किसी भी स्पीकर के बेस का नेचर को समझने में आपको आसानी होगी। इन टर्म्स को समझाने से पहले दोस्तों आपको अपर बेस और लोअर बेस के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के अंदर 60 हर्ट्ज़ से नीचे के बेस को लोअर बेस माना जाता है और उससे ऊपर का अपर बेस माना जाता है। 60 हर्ट्ज़ से जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे बेस फील होना ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वाइब्रेशंस और जो डेप्थ है ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, सुनाई आपको कंपैरेटिव कम देगा वो। 60 हर्ट्ज़ के ऊपर जैसे जैसे आप जाएंगे बेस सुनाई देना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं दो साउंड प्ले करके दिखाता हूँ, आप उससे फ़र्क पता कर पाएंगे। ये एक लोअर बेस है और ये दोस्तों अपर बेस है। अब दोस्तों इन दोनों अपर और लोअर बेस के कॉम्बिनेशंस को डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड को ऊपर नीचे करके बेस का नेचर डिसाइड किया जाता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं पहले कि बेस पंची या थम्पी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जब भी कोई बीट पड़ती है वो आपको सर में या कान में ज़्यादा लग रही है कंपेरेटिव टू योर चेस्ट, उसको बोल सकते हैं आपके वो पंची है। लेकिन कोई वही बीट किसी और सिस्टम के अंदर आपको लग रहा है कि आपको चेस्ट में ज़्यादा लग रही है, प्लस दोस्तों थोड़ी सी थिक लग रही है आपको, तो आप उसको थम्पी बोल सकते हो। एक थम्प थिकर फॉर्म होती है एक पंच की, इस तरीके से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। और थम्प आपको दोस्तों चेस्ट पे ज़्यादा फील होगा, पंच आपको वही थोड़ा सा हेड वाली एरिया में आपको ज़्यादा फील होगा। दोस्तों बेस एक लूज़ भी होता है, एक टाइट भी होता है। फॉर एग्जांपल आपने ढोलक या ड्रम को देखा होगा, मेजोरिटी ऑफ द लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम ड्रम को बजाते हैं, ठीक है, या ढोलक को बजाते हैं, तो उसमें हम जो एक बीट करते हैं उसको, तो उसकी जो आवाज़ है काफ़ी देर तक रहती है, मतलब मोर देन 1 सेकंड, हो सकता है मोर देन 1 सेकंड तक रहे। लेकिन जैसे आप उसके स्क्रूज को टाइट कर देते हो ढोलक के या फिर ड्रम के अंदर, तो उसकी जो आवाज़ है एकदम आती एकदम जाती है, मतलब ज़्यादा देर के लिए ठहरती नहीं है। इसको बोलते हैं दोस्तों टाइट, ठीक है। और जो आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा देर के लिए रह रही है वो लूज़, यानी कि बेस के अंदर दोस्तों लूज़ और टाइट बेस दो तरीके की बेस है ये। टाइट बेस दोस्तों थोड़ा सा क्लीन एक्सपीरियंस देती है, जबकि दोस्तों जो लूज़ बेस है वो थोड़ा सा लॉन्ग एक्सपीरियंस आपको देती है, थोड़ी ज़्यादा समय तक रुकती है। लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि लूज़ बेस अगर अच्छे तरीके से उसको ट्यून नहीं किया गया है तो दूसरी फ्रीक्वेंसीज को डिस्टर्ब कर सकती है। दोस्तों बेस डीप या लाउड, ये मैंने आपको जैसे कि बताया कि अपर और लोअर बेस, अपर बेस बहुत ज़्यादा है तो बेस लाउड होगा और लोअर बेस बहुत ज़्यादा है तो बेस डीप होगा, और दोनों अगर बराबर बराबर है तो बेस डीप प्लस लाउड होगा। एंड दोस्तों एक टर्म और आता है सॉफ्ट एंड हार्ड का। सॉफ्ट एंड हार्ड को दोस्तों ऐसे समझ सकते हैं कि किसी बहुत सारे सिस्टम्स में जो पंच मिलता है आपको, जो बीट्स मिलती हैं वो इतनी ब्लरी होती है एक तरीके से, ठीक है। लेकिन जो हार्ड बेस होता है दोस्तों उसमें काफ़ी हथौड़े की तरह लगते हैं, जैसे सर में कानों में आपके हथौड़े बज रहे हो, इस तरीके से काफ़ी हार्ड होता है। मैं आपको एक एक करके एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ अभी इनके। और एग्जाम्पल दोस्तों एक सिस्टम है LG SJ3, इसकी काफ़ी सारी वीडियो हम चैनल पे मिल जाएंगे आपको, सिंपली प्रोडक्ट का नाम आगे VFM लगा देना है। इसका जो बेस है दोस्तों डीप है प्लस लूज़ है प्लस सॉफ्ट है,
यानी कि और हम ये भी बोल सकते हैं इसका जो बेस है ना तो हार्ड है ना पंची है ना टाइट है। ओबेज ST303 इसका बेस दोस्तों थम्पी बोल सकते हैं प्लस डीप बोल सकते हैं। ओट अवंतेवार दोस्तों 2000 या 2050 इसका जो बेस है दोस्तों लाउड है, डीप भी है, पंची भी है, लेकिन हार्ड नहीं है और ना ही टाइट है। टाइट बेस का दोस्तों परफेक्ट एग्जांपल है ओबीज का ST144 और फिलिप्स का MMS 2220 भी। फिलिप्स का MMS 2220 भी दोस्तों टाइट के साथ साथ हार्ड भी है। लॉजिटेक का Z623 दोस्तों सॉफ्ट और डीप बोल सकते हैं उसको, वो भी हार्ड बेस में नहीं आता है। दोस्तों इस तरीके से आप बेस के नेचर को समझेंगे, थोड़ा सा इन वर्ड्स को ध्यान में रखेंगे और तो आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करने में भी आसानी होगी और आप एक अच्छी चॉइस अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो दोस्तों होगा क्या कि मेरे सामने 5-6 सिस्टम रखे हैं और मुझे बेस बूस्टेड सिस्टम चाहिए और सारे के सारे बेस बूस्टेड है, कोई इनमें हार्ड है, कोई सॉफ्ट है, कोई पंची है, कोई डीप है, मैं कैसे सेलेक्ट करूँगा? तो इसलिए सारे टर्म्स का अच्छे से पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको लगभग लगभग जो भी प्रोडक्ट आपको बताता हूँ उसमें बेस का नीचे जरूर बताता हूँ कि इसका बेस सॉफ्ट है, हार्ड है, डीप है, लाउड है, थम्पी है, पंची है। आपने जो मुझको रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उस चीज़ को जानते होंगे। दोस्तों एक चीज़ और है कि आपको बेस बूस्टेड सिस्टम कब लेना चाहिए। दोस्तों अगर आप सॉन्ग के अंदर लो फ्रिक्वेंसीज बीट्स इन पे ज़्यादा फोकस रहता है तो आपको लेनी चाहिए। हिप हॉप गाने, डीजे रिमिक्स गाने, पार्टी सॉन्ग ज़्यादा सुनते हैं तो आपको एक बेस बूस्टेड सिस्टम लेना चाहिए। दोस्तों आपको कब नहीं लेना चाहिए, अगर आप सैड सॉन्ग सुनते हैं, लव सॉन्ग सुनते हैं मूवीज़ के लिए, या फिर आप बैलेंस सिस्टम चाहते हैं और थोड़ा डिटेल्स पे आपको ज़्यादा फोकस रहता है तो आपको बेस बूस्टर सिस्टम अवॉइड करना चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नाइट लिसनर्स की, जिनको रात को बैठ के आराम से धीमी धीमी आवाज़ पे गाने सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। दोस्तों इन लोगों को इस तरह का सिस्टम चाहिए कि आवाज़ ना तो कमरे के बाहर जाए ज़्यादा, प्लस 15-20% वॉल्यूम पर बेस भी फील हो और वोकल्स भी अच्छे तरीके से समझ में आए। दोस्तों ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मीन सिस्टम ज़्यादा लाउड ना हो। बहुत सारे सिस्टम दोस्तों ऐसे हैं कि वो ज़्यादा आवाज़ पे ज़्यादा बेस देते हैं, कम आवाज़ पे उनमें बेस गायब हो जाता है, तो इस तरह के सिस्टम आपको नहीं चाहिए, स्पेशली जो नाइट टाइम लिसनर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। प्लस दोस्तों अपर बेस काफ़ी कंट्रोल्ड होना चाहिए, क्योंकि अपर बेस दोस्तों ज़्यादा अगर होगा तो बूम क्रिएट करेगा और वो बूम आपके कमरे के बाहर जाएगी और आपके घर में जो भी लोग सो रहे होंगे उनके कानों तक पहुंचेगी, उनको इरिटेट करेगी, प्लस आपको भी इरिटेट करेगी, क्योंकि कम आवाज़ पे अगर बूम ज़्यादा होगी तो आपको वोकल्स सुनने में भी प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। प्लस दोस्तों ट्रैवल का क्या नेचर होता है, ट्रैवल ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर ही नहीं पाता, ठीक है, यानी कि जो हाइज हैं तो ऑटोमेटिकली वो कमरे के बाहर इतने नहीं जाते हैं, तो यानी कि अपर बेस कंट्रोल होना चाहिए, वोकल्स अच्छे होने चाहिए। जैसे सिस्टम्स के दोस्तों कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि ओबीज का ST303 101, LG का SJ3 और फिलिप्स का MMS 2220 भी। ये वो सिस्टम दोस्तों मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ जो सिस्टम मैंने अभी तक यूज़ किए हैं। बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे भी होंगे जो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किए हैं जो इस कैटेगरी में फिट होते होंगे, लेकिन मैं आपको कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बताना चाहता जो मैंने अभी तक कहीं नहीं सुना है या मैंने यूज़ नहीं किया। अब दोस्तों बारी आती है क्लोज लिसनर्स की, जो बहुत ज़्यादा पास बैठकर डेस्क टॉप पे अपना काम करते हैं, ठीक है, कोई सॉन्ग चला लिया, काम कर रहे हैं तो सॉन्ग चल रहा है साइड में, इस तरह का कोई सिस्टम दोस्तों अगर आपको लेना हो बजट रेंज में। अदरवाइज जो लोग हैं मॉनिटर स्पीकर, जिनका बजट ज़्यादा है, मॉनिटर स्पीकर वगैरह प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं बजट रेंज की बात कर रहा हूँ अंडर 10,000 की। दोस्तों इस तरह के सिस्टम में सबसे पहली जो चीज़ है तो ट्रैवल बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड होना चाहिए, ट्रैवल सॉफ्ट होना चाहिए। अगर सॉफ्ट नहीं हुआ, ट्रैवल हार्श हुआ और ट्रैवल बहुत ज़्यादा हुआ, यानी कि उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हुई, तो कानों को दोस्तों आपको इरिटेट कर देगी, आप उस सिस्टम के बाद आपको ट्रैवल बिल्कुल कम करना पड़ेगा, तो फिर ऐसे में कोई सिस्टम लेने का फ़ायदा है नहीं। तो ट्रैवल बहुत ज़्यादा कंट्रोल चाहिए, प्लस सॉफ्ट चाहिए, वोकल्स भी स्मूथ एंड सॉफ्ट चाहिए दोस्तों, उसमें अपर बेस कंट्रोल चाहिए, लो बेस होगा तो चल जाएगा। इस तरह के दोस्तों परफेक्ट एग्जांपल हैं ओबीज के DT21 प्लस LG SJ3, ये दोनों सिस्टम इस तरह की कैटेगरी में बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं। दोस्तों जो लोग केवल पार्टी करते हैं, यानी कि वो सिस्टम बहुत ही रेयर बजाते हैं, महीने में एक दो बार कोई ओकेज़न हुआ, कोई घर में आया या कोई पार्टी कर रहे हैं, गेट टुगेदर हुआ, जब भी वो प्ले करते हैं उस सिस्टम को, ठीक है, डांस वांस करना हो, तो ऐसे में दोस्तों सिस्टम को कभी वो मीडियम या लो वॉल्यूम पर बजाते नहीं, वो डायरेक्ट लाउड वॉल्यूम पर बजाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके का पार्टी स्पीकर के अंदर बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, लेकिन मैंने वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किए, मैं अंडर 10,000 आपको बता देता हूँ। इस तरह के सिस्टम दोस्तों आपको कुछ इस तरह का उसमें कॉन्फ़िगरेशन चाहिए कि इसमें अपर और लोअर दोनों तरह का बेस हो, सिस्टम लाउड हो, ठीक है। यहाँ इंस्ट्रूमेंट क्लैरिटी, सेपरेशन, ये सब चीज़ ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि जब लाउड वॉल्यूम पर आप बहुत ज़्यादा लाउड वॉल्यूम पर पार्टी वगैरह कर रहे होते तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है, तो क्लैरिटी वगैरह यहाँ इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती है। तो दोस्तों पार्टी के लिए सिस्टम्स को यूज़ कर सकते हैं बोट अवंतेवार 2000-2050, ये सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट है आई थिंक पार्टी के लिए, और FND का T60X। इन दोस्तों सभी सिस्टम्स के मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ म्यूजिक पे, क्योंकि टाइप्स ऑफ म्यूजिक के अकॉर्डिंग भी आपको सिस्टम्स अलग अलग चाहिए। आप लव और सैड सॉन्ग सुनते हो, ठीक है, या तो आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो या आपका ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, इस तरह से आप सॉन्ग सुनते हो, तो ऐसे में दोस्तों आपको जो आपका फोकस रहता है वो रहता है कि सिंगर बोल क्या रहा है, उसके शब्द क्या हैं, ठीक है, उसकी लाइन्स क्या हैं, उसके लिरिक्स क्या हैं, उस पर ज़्यादा फोकस रहता है,
तो बेस थोड़ा कम दोस्तों चलेगा, ठीक है। आप प्रायोरिटी रखिए कि बेस बैलेंस हो, और अगर दोस्तों आप उसमें आप प्रिफेयर कर रहे हैं वी शेप कर्व हो, तो वी ज़्यादा डीप वी ना हो, यानी कि जो मिड्स के कंपैरेटिव में बेस प्लस ट्रेबल हैं वो ज़्यादा उठे हुए ना हो। तो इसलिए दोस्तों आपको काफ़ी सारे सिस्टम मिल जाएंगे, फिलिप्स का MS-2020 भी, LG SJ3 दोनों इसमें फिट होते हैं, OBS का DT-51 भी इसमें फिट होता है, OBS का DT-21 भी फिट होता है, और अगर हल्का सा थोड़ा बेस बूस्टेड चलेगा तो OBS का ST-303 भी इस एग्जांपल में फिट होता है। दोस्तों बात कर रहे थे जिन लोगों को इंस्ट्रूमेंट से फोकस रहता है, देखिए इंस्ट्रूमेंट के लिए स्पेशली जो तबला और जो ढोलक टाइप के जो म्यूज़िक होते हैं इनमें आपको ज़्यादा फोकस रहता है। दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूं कि ऐसा सिस्टम बिल्कुल मत लेना जिसमें अपर बेस बहुत ज़्यादा कट किया गया हो, क्योंकि तबला ढोलक की जो फ्रिक्वेंसीज हैं दोस्तों अपर बेस में अच्छी खासी लाई करती हैं, वो अच्छी खासा एक उनका चंक जो है अपर बेस के अंदर आता है, तो अगर वो बुरी तरीके से कट होगा जैसे कि LG SJ3 में, वहाँ ढोलक की आवाज़ आपको बिल्कुल नेचुरल नहीं लगेगी। OBS का DT-2605 इसमें भी आपको इस तरह की जो साउंड है आपको अच्छी नहीं लगेगी, नेचुरल नहीं लगेगी। तो ऐसा सिस्टम लें दोस्तों जिसमें अपर बेस भी हो और ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट की जो क्वालिटी है इससे आपको अच्छी बन जाएगी, बूस्टेड ना हो लेकिन अपर बेस और लोअर बेस दोनों बैलेंस हो, हाइज भी अच्छी हो और वोकल्स की क्वालिटी भी अच्छी हो, मिड सेक्शन भी यानी कि आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दोस्तों मेरे हिसाब से परफेक्ट एग्जाम्पल है फिलिप्स का MS-2020 भी और OBS का DT-51। अगर आपको इंस्ट्रूमेंट्स भी अच्छे लगते हैं सॉन्ग्स के अंदर तो इन दोनों सिस्टम को आप कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट पॉइंट बचता है मूवीज़ का। मूवीज़ में दोस्तों एक तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये रहता है लोगों का हम स्टीरियो लें 4.2.1 या 4.1 या फिर सराउंड साउंड सिस्टम लें। अब सराउंड साउंड सिस्टम में भी दोस्तों नॉर्मल 5.1 लें, डॉल्बी डिजिटल को सपोर्ट करता हो इस टाइप का 5.1 लें, या फिर एक 5.1 साउंड बार ने, या फिर डॉल्बी एटमोस को सपोर्ट करने वाला साउंड बार। ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा। एक चीज़ का दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, अगर मूवीज़ के अंदर आप थ्रिलर मूवीज़ वगैरह ज़्यादा देखते हो जिसमें जो बेस आता है लो बेस जो आता है वो आप एकदम से आता है ना, जैसे कोई हॉरर मूवी आती है, कोई एक्शन सीन आता है पूरे खिड़की दरवाजे हिल जाते हैं, इस टाइप का अगर आपको बेस एक्सपीरियंस करना है मूवीज़ देखते टाइम तो यह परफेक्ट एकदम फिट होता है लॉजिटेक का Z906। अदरवाइज सराउंड साउंड सिस्टम के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, आप नीचे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यही है, खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ। अभी के टाटा बाय बाय।